गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या ऐसे कह रहा हूँ, अपन इधर से चलेंगे वो इस वाले रूट से, वहाँ से घूम के वापस आ जाएंगे। क्या तो भाई, अभी टाइम की बात करें तो यहाँ देखिए सुबह के अभी 6:30 बजे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस समय आज हमारे साथ हमारे राइड पार्टनर हैं, हमारी पूजा जी। हाय करो। अभी हम लोग छोटी सी राइड पे निकले। एक्चुअली क्या है, ये स्कूटी चलाना सीख रही है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के लिए लेके निकले। और आज अपन को थोड़ी स्लो गाड़ी चलानी है, इसलिए ओहो अंधेरा हो गया। मैं इस रूट पे आया था कि क्योंकि इस रूट में हमेशा लाइट रहती है, इसलिए। और यहाँ पे हो गया अंधेरा। अब मोटो व्लॉग कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही समस्या वाली चीज हो गई है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, अभी आज हमारे साथ है हमारी ये प्लेटिना, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब हाँ, पता नहीं शायद इतनी अंधेरे में दिख रही है, नहीं दिख रही है। किलोमीटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो प्लेटिना है, इसके अभी यहाँ मीटर के अंदर आपको दिख रहा है तो 87,788 किलोमीटर अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, और 11,000 किलोमीटर पे पहले ऑलरेडी मीटर खराब हो चुका था। तो कुल मिला के देख लीजिए आप, 1,00,000 किलोमीटर शायद हो चुके हैं। तो आज हम निकले हैं इसको यहाँ पे स्कूटी की थोड़ी सी सेयर कराने के लिए। मतलब आती है इसको स्कूटी चलाना थोड़ी बहुत, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और आज वैसे भी संडे है, तो मैंने कहा चलो साथ में राइड हो जाएगी अपनी भी छोटी सी। बहुत टाइम हो गया मोटो व्लॉग किए हुए, कोई राइड तो हो नहीं रही वैसे। तो अभी हमारा जो रूट रहने वाला है, वो रहने वाला है कि हम लोग जाएंगे वैशाली की साइड। आप लोगों से सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, जिसके कारण हमारे जो चैनल है उसकी कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अभी लास्ट जो पोस्ट थी उसमें हमने कमेंट भी किया था, मतलब कि बाय बाय यूट्यूब। तो मन तो ऐसे ही करता है कि यार बस हो गया, अब बंद करो, बहुत हो गया। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि ये वीडियो तो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, टाइम मिलेगा तब हम, जैसे कि अभी भी मुझे, मैं अपने पुराने वीडियोज़ अक्सर खाली टाइम में देखा करता हूँ टीवी पर। तो ठीक वैसे ही जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाद में मेरे ही वीडियोस देख लिया करूँगा, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ओह, मेरे पे ही कट मार रहे हैं। बच्चा ओवरटेक करते समय थोड़ी सी स्पीड बना के रखे और मेरे को कट ना मारे, सामने देख के चलाओ। तो एक्चुअली पहले तो हम सोच रहे थे कि हिमालयन लेके चलेंगे, लेकिन फिर भाई साहब यार हिमालयन को 30-40 पे क्या चलाएंगे, इसलिए मैं कहा चलो यार प्लेटिना ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये वैसे भी 40-50 से ऊपर नहीं चलाती है। तो इस चक्कर में हम लोग लेके आए हैं ये प्लेटिना। और भाई साहब ठंड की बात करूँ तो यार दिन में तो अब आजकल वैसे थोड़ी बहुत गर्मी सी हो गई है, मतलब दिन में इतनी ठंड नहीं रहती, लेकिन हाँ भाई अभी सुबह के टाइम तो अच्छी खासी ठंड है। और तेरी तो ये क्या हो रखा है भाई, जयपुर के अंदर पेट्रोल के दाम देखो 96 स्पीड के हैं और 93 ऐसा जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके हैं। तो व्लॉगर्स के लिए वैसे भी मुश्किल होने वाली है यहाँ जयपुर के अंदर तो, क्योंकि अब वैसे भी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो कोई इवन राइड का बजट वैसे ही अबाउ राइज कर जाता है। यार पूरे ही रूट की लाइटें यहाँ पे तो बंद कर रखी है, तो मैं यहाँ ही मोटो व्लॉग करूँ, पूरे व्लॉग में आपको अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलेगा। यार वैसे मैंने प्लेटिना पे लास्ट मोटो व्लॉग कब किया होगा, क्या लगता है आपको? अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि कब मैंने लास्ट प्लेटिना के ऊपर मोटो व्लॉग किया था। ठंड तो यार बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, हाथ ऐसा लग रहा है बिल्कुल टाइट होते जा रहे हैं। तो कोई छोटी सी जगह आती है जहाँ पर थोड़ा सा उजाला होता है, वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और हाथों को सेकते हैं, क्योंकि अगर मेरे ही हाथ इतने भयंकर जाम कर रहे हैं तो ऐसा। वहाँ पूजा के पास तो थोड़े से ग्लव्स भी इसी टाइप के हैं, मतलब इतने अच्छे ग्लव्स नहीं है, तो उसका तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। देखते हैं आगे थोड़ी सी लाइट आई जाए कहीं, और रुकते हैं थोड़ी देर। हाथ जाम हो गए क्या, चले या सही करने हाँ चले। ओके, मैं यही कंफर्म कर रहा था कि उसके हाथ ज़्यादा जाम तो नहीं हुए हैं, क्योंकि फिर भाई साहब जैसे हम लास्ट बार भी हम लोग सुबह सुबह आए थे कहीं से, तो वो यही शिकायत कर रही थी कि मेरे तो भैया हाथ ही जाम हो गए थे और ब्रेक भी नहीं लगा पा रही थी। भाई साहब यहाँ तो कुत्ते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा। अभी देख लीजिए हम लोग मात्र 30 की स्पीड में चल रहे हैं, इससे ज़्यादा हम चला भी नहीं रहे हैं।
अभी पिछला वीडियो था वैक्सीनेशन का, वो जो वीडियो था उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे सोचा कि चलो यार अब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, मतलब हमने पूरी साल उसमें इतनी मेहनत करी है, अब जाके उसका जो टीका लग रहा है क्यों ना उस क्षण को हम यादगार बना दें और उसको हम लाइफ लॉन्ग मेमोरी के रूप में सेव कर लें। इसलिए गाड़ी में बैठे बैठे ही मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आखिर इसका वीडियो बनाया जाए। तो सिंपल मैंने अपना जो फ़ोन है उसी के थ्रू विदाउट कोई माइक की स्पेशल माइक बस वो वीडियो बनाया है। चलो कोई ना, धीरे धीरे सीख जाएगी और जैसे ही स्पीड पर कर लेंगे थोड़ी बहुत तो हो सकता है हम भी कभी फ्यूचर में लॉन्ग राइड्स करें। अभी हाल फिलहाल तो ये ट्रेनिंग सेशन ही चल रहा है यार। जयपुर के रोड्स की लाइट्स क्यों बंद कर दी यार, मैंने कितना सोच समझ के तो ये वाला रूट चूज़ किया था क्योंकि इस रूट पे सारी जगह लाइटें रहती है और अच्छी खासी लाइटें रहती हैं इस रूट पे। यहाँ बीच बीच में ये छुटपुटे एक दो लाइटें आ रही हैं, तो देखिए प्लेटिना कुछ ऐसी लग रही है इतने दिनों के बाद। चौराया है तो हम थोड़ा देख के धीरे धीरे। और भाई साहब इतनी तेज, ओके चौराया यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत पार कर लिया है। अभी आगे एक और सर्किल मतलब क्रॉसिंग आएगी, भैया थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे हमारे साथ अभी एक रुड़की पायलट है जिसकी अभी यहाँ पे हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। और ये भाई साहब यार ये सिनेमा हॉल कब खुलेंगे जयपुर के अंदर कोई तो बता दो यार, बहुत टाइम हो गया। इवन शादी के बाद हम लोगों ने एक भी मूवी नहीं देखी अभी तक साथ, तो उस बात को लेकर भी अक्सर तनातनी हो ही जाती है। तो अगर जयपुर से कोई है जिसको कि पता है कि भैया आखिर ये सिनेमा हॉल कब खुलेंगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर। बहुत टाइम हो गया है मूवी देखे हुए धूमधाम के साथ, कब से सबके सब मोबाइलों में और टीवी पे इन्हीं पे मूवीज़ देख रहे हैं। तो भैया अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसी फ्रेंड को किसी मित्र को भी रिकमेंड कीजिए। ऐसे तो है नहीं हमारे चैनल पे सारे घटिया ही घटिया वीडियो हैं, हमारे चैनल पे आपको थोड़े बहुत तो अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इवन मुझे तो मेरे वीडियोज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्लीज़ आप लोग जब भी कभी मेरा वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि यूट्यूब उस वीडियो को थोड़ा बहुत तो रिकमेंड करें, क्योंकि अभी रिकमेंडेशन में आना बहुत ही ज़रूरी है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मतलब चैनल की ग्रोथ बहुत ही स्लो है, बहुत ही हद से ज़्यादा स्लो है। क्योंकि मैंने अभी और बड़ी राइड भी मैं करता हूँ तो वो इतना कोई सपोर्ट नहीं करवाती है चैनल को, क्योंकि उसमें भी फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया छुटपुट छुटपुट इतने बड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं जिन पर कि इतना खर्चा होता है राइड के ऊपर, और उसमें भी क्या व्यू मिलते हैं, वही व्यू मतलब 100 व्यू के आसपास मिलते हैं। तो वीडियोस को आप लाइक कीजिए, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि कि वो वीडियो रिकमेंडेशन में आए और YouTube उस वीडियो को रिकमेंड करे। और चैनल पे पहली बार जैसे कि अभी मैं बता ही रहा हूँ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और Instagram पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी यही सेम है @samkumar। वहाँ पे हमारी जो भी कोई लेटेस्ट राइड होती है या कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसके वीडियो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। मेरा क्या प्लान था कि प्लेटिना जब मैंने ली थी तो मैंने सोचा था कि जैसे ही एक लाख किलोमीटर हो जाएगी तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगा न्यू प्लेटिना के साथ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो बाइक्स हैं उनकी जो प्राइस है, अरे राम, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी प्राइस कर दी गई है। हम यहाँ से थोड़ा चलेंगे, छोटे 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 छोटे, ओके हम यहाँ से चलते हैं देखिए अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए एक बार, क्या सिचुएशन चलती है आजकल वहाँ पे सुबह। ये है यहाँ का अक्षरधाम मंदिर,
ओके रुक के एक बार मैडम को दिखा देते हैं यहीं से। और ठोकेगी ठोकेगी। अक्षरधाम मंदिर देखा हुआ है क्या? ये क्या हुआ? हाथ जाम बंद कर ले। तो चलते हैं यहाँ से। अब रास्ता मुझे भी ठीक से याद नहीं है, घूम के उधर से चलते हैं या वहाँ पर चलें, यू टर्न ले लेगी। तो चलो यू टर्न लेते हैं, उससे यू टर्न की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके देखते हैं यू टर्न कैसे ले पाती है। यहाँ पे दो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। स्लो 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 ओके सक्सेसफुली ले लिया है यू टर्न। ऐसे तो है नहीं भैया मेरे जैसे हो कि भाई हिमालयन पे यू टर्न लेना है तो मनोज की तो फट जाती है। और यू टर्न लेते समय ऐसा मेरे तो हिमालयन पे लिटरली बता रहा हूँ बहुत भयंकर हालत होती है। ओके तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि आगे जो रास्ता है वो काफ़ी गलियों वाला है, बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। भाई साहब आगे यहाँ पे आ रही है अजमेर रोड। तो तेज चला रही है तो इसको शायद लगता है रास्ता पता लग गया है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा और स्पीड से चला रहे हैं। तो बढ़िया, लेकिन मुझे डर लगता है इनके पीछे चलाने से क्योंकि ये कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये पता नहीं लगे क्या हुआ क्या नहीं। देखो अभी भी इनकी क्या लाइन चेंज होती रहती है। तो भाई साहब आज का ये जो वीडियो है काफ़ी छोटा सा मोटो ब्लॉग हुआ है और कोई बड़ी राइड अभी हम प्लान कर रहे हैं तो देखते हैं कोई प्लान हो पाती है तो बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या होती है एक तो छुट्टी की और राइड के लिए, जैसे भी आपको पता है कि भैया भाई साहब बहुत सारा फंड रेज करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है फ्यूल में, खाने पीने में और रहने में, स्टे में। तो भैया आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि पूजा जी के साथ और राइड वीडियोस होने चाहिए या नहीं। तो कोई छोटी राइड होगी जो कि स्कूटी से हम लोग कर सकें 40-50 किलोमीटर की तो वो और राइड प्लान करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई और फ्रेंड है जो कि जिसको कि मोटो ब्लॉगिंग पसंद है और अगर आप जयपुर से ही हैं तो एटलीस्ट वोकल फॉर लोकल वाली बात को मान करके कम से कम लोकल यूट्यूबर्स के तो वीडियो आप शेयर कर दीजिए करें अपने जितने फैमिली मित्र होते हैं उनके साथ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। चले